तो अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन, वाइट चिकन कोरमा की रेसिपी। तो जिसके लिए देखिए, यहाँ पर मैंने दही ले लिया है, यहाँ पर 1.25 किलो चिकन मैंने ले लिया है, ये वाइट मिर्च है, मिर्च पाउडर है, मतलब जैसे काली मिर्च होती है वैसे वाइट मिर्च पाउडर है। यहाँ पर एक बड़ी इलायची है, छोटी इलायची 4 ले ली मैंने, कुछ काली मिर्च ले ली, लौंग, दालचीनी। इसके बाद यहाँ पर हरा धनिया, यहाँ पर चॉप किया हुआ कांदा है, यहाँ पर हरी मिर्च ले ली मैंने, और यहाँ पर देखिए कसूरी मेथी है। काजू बादाम को मैंने भिगो कर रख लिया था, अब मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। यहाँ पर ऑयल ले लिया है मैंने, नमक, ये जार में मैं काजू बादाम को पीस लूँगी। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट है, और यहाँ पर देखिए कढ़ाई मैंने रख ली है गैस पर। तो चलिए अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं काजू बादाम को पीस लेती हूँ, उसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो देखिए काजू बादाम को यहाँ पर मैंने जार में डाल दिया है, अब मैं इसको जा रही हूँ पीसने, ग्राइंड करने मिक्सर में। थोड़ा सा पानी भी मैंने इसके साथ में डाल दिया इसमें। तो देखिए पेस्ट बन करके तैयार हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर ये काजू बादाम का पेस्ट तैयार हो चुका है, अब मैं इसको रख देती हूँ साइड में। और यहाँ पर जो ये दही मैंने लिया है ना, तो दही को थोड़ा सा फेंट लेते हैं, वो उससे क्या होगा, जो इसके अंदर जितने भी लम्स है ना वो सब निकल जाएंगे, मतलब पेस्ट जो दही है एकदम स्मूथ हो जाएगा, और हमें स्मूथ दही चाहिए। एक्चुअली मेरे पास क्रीम नहीं है, इसमें क्रीम भी जाती है, और मलाई जो मैंने रखा था तो वो मलाई बच्चे लोग खा गए, तो फिर अभी मलाई नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, अभी इनसे मंगाऊँ या फिर ऐसे ही बनाऊँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि काजू बादाम मैंने थोड़े फिर इसीलिए ज़्यादा ले ली हूँ, क्योंकि मेरे पास क्रीम नहीं है, इसलिए मैंने थोड़े से काजू बादाम ज़्यादा ले ली हूँ, बादाम कम काजू थोड़े ज़्यादा। और यहाँ पर देखिए अभी इसको फेड करके हो चुके हैं, और मेरे एक सब्सक्राइबर है शायद अहमदाबाद से है, उन्होंने मुझसे कहा था बैंगल्स पहनने को, तो देखिए मैंने बैंगल्स पहन लिए, तब बताना आपको कैसा लग रहा है। वो एक्चुअली होता क्या है, जो पहले के जो वीडियोस होते हैं शूट करके रखे हुए, तो उसमें क्या होता है, नहीं थे मेरे हाथ में बैंगल्स, तो इसलिए आपको नहीं दिखा पहले। और काफ़ी ज़्यादा आप लोग इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। और चलिए आज आप लोगों के साथ मैं चिकन वाइट कोरमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए आज वाइट कोरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। आज सुबह से थोड़ा मैंने ब्लॉग कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, थोड़ी मेरे सर में दर्द था इसलिए, और देखते हैं अभी इसको बनाने के बाद, हो सकता है ब्लॉग कल अपलोड होगा तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा सा और कुछ बना दूँ ब्लॉग। तो चलिए अभी बनाते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो इसमें डाल दूँगी मैं सबसे पहले ऑयल। मैं इनसे पूछ लेती हूँ कि मुझे क्रीम ला कर देंगे क्या, पूछ लेती हूँ। वैसे भी अभी जस्ट आए हैं काम पे से, थके तो पता नहीं लाएंगे कि नहीं, सुबह से गए हुए थे अभी आए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल ली हूँ, कढ़ाई में इसलिए मैं ज़्यादातर बनाती हूँ क्योंकि कढ़ाई में जो है आप लोगों को नज़र आता है, अगर मैं टॉप में बनाऊँगी तो नज़र नहीं आएगा। माशाल्लाह अज़ान हो रही है, तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाती हूँ, उसके बाद बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अज़ान के वक्त बात नहीं करते और मुझे तो बोलना पड़ेगा आप लोगों को, तो मैं थोड़ा सा रुक जाती हूँ। अजान खत्म हो चुकी है, तो अभी चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं हमारा चिकन वाइट कोरमा। यहाँ पर जो कसूरी मेथी मैंने जो ली है ना, इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा तवे पर थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। तवा देखिए मैंने गर्म कर लिया, अब इसको मैं बंद कर देती हूँ तवे को, गैस को, सॉरी तवे पर ही गैस को बंद कर देती हूँ। और इसके बाद इस पर मैंने कसूरी मेथी डाल दी, और ये जो कढ़ाई है इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था ना पहले से आप लोगों के सामने, अब इसमें हम डाल देंगे, सॉरी सबसे पहले हम डालेंगे ये जो हमारे पास जो खड़े मसाले हैं, ये हम इसमें डालेंगे। खड़े मसाले डालने के बाद ये देखिए इसको भी थोड़ा, इसको इसी पर रखने देंगे। तवे को थोड़ा सा गर्म किया था मैंने, ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि कसूरी मेथी को जलाना नहीं है, बस जो इसका जो इसकी जो नम है वो हमें मिटा देनी है। इसको थोड़ा सा क्रश करके मैं डालूंगी, तो इसके लिए जो इसका नम है वो हटाने के लिए इसको थोड़ा सा गर्म किया मैंने। अब ये गर्म मसाला डालने के बाद इसमें मैं चॉप किया हुआ कांदा डालूंगी। कांदा थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मैंने, क्योंकि जो चिकन है मेरा 1.25 किलो मैंने लिया है यहाँ पर, तो कांदा थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही ले लिया है। तो मुझे इस वाले चम्मच से बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती है, बहुत अच्छा लगता है इसे बनाने में खाना। तो इसमें थोड़ा सा, इसको हमें कांदे को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है, ना इसको थोड़ा ज़्यादा भूनना है, बस इसका हल्का सा कच्चापन निकल जाए तब तक कि हमें इसको भूनना है। और यहाँ पर जो हरी मिर्ची मैंने ले ली है, तब तक मैं क्या करती हूँ इनको थोड़ा सा कट लगा लेती हूँ। इससे क्या होगा, जितना भी इसका जो टेस्ट है हरी मिर्ची का जो तीखापन है वो जो हमारी ग्रेवी है उसमें आ जाएगा। तो ज़्यादा तीखा भी नहीं होता ये वाइट कोरमा, मीडियम होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ कितनी 10 मिर्च ले लिए, 10 हरी मिर्च ले लिए। चिकन देखिए 1.25 किलो, इसमें 10 हरी मिर्च ले ली मैंने, क्योंकि ज़्यादा तीखा नहीं होता है ये, मीडियम ही होता है। और मलाई तो इनको बोली हूँ मैं क्रीम लाने के लिए, पता नहीं लाते हैं कि नहीं, बोल रही हूँ कब से लाने के लिए, समझ में नहीं आ रहा है, सुनो ना। तो पहले देखिए इसका फ्लेम मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया था और फास्ट कर दिया है, इसको थोड़ा देर हम ऐसे ही भूनेंगे।
और ये जो कसूरी मेथी है इसको हम निकालेंगे प्लेट में, ठीक है। अभी जब तक थोड़ा ठंडी हो जाएंगी, देखिए ठंडी भी हो गई है, इसको क्रश कर लेंगे इस तरह से इसको अपने हाथों की मदद से क्रश कर लेंगे। इसके बाद है ना, मैं ना इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आप लोगों के लिए पाव भाजी वाली रेसिपी लेकर आने वाली हूँ, तो एक्चुअली उसके लिए मुझे कुछ और सामान की ज़रूरत थी तो वो मुझे यहाँ पर नहीं मिला, तो मैं नहीं बना पाई। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम बनाने की, क्योंकि तबीयत भी मेरी थोड़ी सही नहीं थी, इसकी वजह से मैं सुबह से मैंने कुछ ब्लॉग भी नहीं किया और बनाई नहीं मैं कुछ भी। तो चलिए देखिए यहाँ पर ये जो कांदा है ये हो रहा है, साथ ही साथ हम इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे, इसको भी थोड़ा देर भून लेंगे। गैस का फ्लेम हमें फास्ट ही रखना है, कैसे दिखे क्रीम लेकर आते हैं तो बोल रहे हैं मेरे को क्रीम ला कर देते हैं, अमूल अमूल फ्रेश क्रीम लेकर आना, ठीक है, फ्रेश देख करके लेकर आना, तो बोले कि मुझे ला कर देते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। आप घर का भी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्चुअली मैंने मलाई रखा था लेकिन क्या हो गया कि बच्चे लोग को चाहिए था तो मैंने दे दिया, फिर अलीना को बहुत ही ज़्यादा दूध वाली चीज़ें पसंद है तो मैंने उसको दे दिया, तो वो अभी नहीं है फिर मेरे पास, तो चलिए थोड़ा सा इसको भून लेती हूँ मैं। एक्चुअली इतने सब्सक्राइबर मेरे बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ, अगर मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो उसके लिए सॉरी, लेकिन सबका जितना हो सकता है मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। और माशाल्लाह अभी हमारे 2K सब्सक्राइबर होने वाले, फैमिली होने वाली है, एक्चुअली सब्सक्राइबर नहीं हमारी फैमिली होने वाली 2K की, तो मैंने आप लोगों के लिए सोचा है कि क्या आप लोग चाहते हैं कि हम लोग लाइव आए, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग लाइव आए 2K होने के बाद, तो मैंने हमेशा से मैंने सोचा था कि मैं 2K होने के बाद लाइव जाऊंगी अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम। एक्चुअली एक बार जब 1K हुआ था तब मैं फर्स्ट टाइम लाइव आई थी लेकिन कोई भी ज्वाइन नहीं किया था, मतलब उस टाइम पर इतना वो नहीं था, तो मैंने सोचा है कि 2K होने के बाद मैं आप लोगों के साथ अपनी खुशी शेयर करना चाहती हूँ, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ या नहीं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो 2K जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं लाइव आऊँगी, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द मेरे 2K हो जाए, उसके बाद 10K हो जाए, उसके बाद 1,00,000 हो जाए, उसके बाद 1,000,000 का सफ़र हम लोग साथ में तय करेंगे, साथ में हम लोग पूरा करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोग बहुत दुआ करते हैं मेरे लिए और इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट, इतनी दुआएं मेरे लिए करते हैं, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। और आज देखिए मैंने वो वाला वीडियो अपलोड किया जो मैं यहाँ पर फिल्म की गई थी, तो वहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छा लगता है नेचर, मतलब हवा वहाँ पर, जैसे कि प्लांट्स है बहुत सारे, अच्छा होता है अपने लिए, मतलब सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखिए बातों में ये भी हो गया, भून गया, तो मैं क्या करती हूँ इसमें अब ऐड कर देती हूँ मैं चिकन, ठीक है, अभी जो चिकन है चिकन मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो करके, आप क्या कीजिए जब भी आपको बनाना है तो आप ये काम पहले कीजिए कि आप चिकन को पहले ही ला करके रख लीजिए सुबह, अगर आपको शाम में बनाना है धो करके इसको फ्रिज में रख दीजिए, अगर जिनके पास फ्रिज नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब जिनके पास अगर फ्रिज नहीं है तो कोई बात नहीं, एक मिनट पहले मैं इसको चला लेती हूँ उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम लोग, गैस का फ्लेम लो कर देंगे ताकि ये नीचे जले ना। तो देखिए इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया, तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि अगर आप लोगों को शाम में बनाना है रात में तो आप सुबह ही ला लीजिए और उसको धो करके फ्रिज में रख दीजिए, ताकि जो आपका जो चिकन है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाता है फ्रिज में रखने के बाद फ्रीजर में, और जब आप इसको पकाते हो तो बहुत ही सॉफ्ट बनता है, अगर आप तुरंत ला करके बनाओगे तो जल्दी गलेगा नहीं और उतना सॉफ्ट नहीं बनेगा, थोड़ा सा इसमें रेशिया जैसे रहेगा, अगर आप इसको फ्रिज में रखते हो तो वो जो रेशिया होते हैं वो नहीं दिखेगा आप लोगों को, बहुत सॉफ्ट बनेगा, तो कोशिश कीजिए अगर आपको बनाना है तो आप इस तरह से ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी रेसिपी बनेगी। तो चलिए इसको थोड़ा सा इसमें मैं नमक मिला देती हूँ ताकि जो हमारा चिकन है उसमें अच्छी तरह से नमक घुल जाए, यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से नमक इसमें ऐड कर दिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा, ताकि अगर मैंने आप लोगों को पहले बताना भूल गई, यहाँ पर देखिए मेरे पास मक्खन है मतलब अमूल बटर है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बटर भी यूज़ कर रही हूँ, पहले मैंने दिखाया नहीं लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, थोड़ा सा ऊपर से भी हम डालेंगे, इससे क्या होता है जो आपका जो चिकन कोरमा है इसका टेस्ट बहुत ही मतलब अच्छा आता है, स्मूद आता है, तो इसको 2-3 मिनट के लिए हम लोग इस तरह से ढक करके रख लेंगे, 2-3 मिनट के लिए ढक करके रख लेंगे। तो देखिए अभी 2-3 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए हमें, तो जिंजर गार्लिक जो पेस्ट है अदरक लहसुन का पेस्ट हमने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि अगर हम पहले डालेंगे तो वो थोड़ा सा उसका जो पेस्ट है ना वो जल जाता है, फ्लेवर जो है ना उसका जल जाता है, फिर वो मज़ा नहीं आती है खाने में, तो यहाँ पर 2-3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं क्या करूँगी इसको, अब हम इसमें
ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मेरे पास पिसा हुआ है, मैं पिसा हुआ रखती हूँ, एक हफ्ते तक इजीली चल जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया इसमें, साथ ही साथ ये तखनी मिर्च, इसको बोलते हैं तखनी मिर्च, तो तखनी मिर्च भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। दोनों को साथ में ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले तो अभी से इसकी स्मेल तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ रही है, तो अभी पता नहीं, देखते हैं। अब अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे ये जो हमारे पास जो काजू बादाम का पेस्ट हमने तैयार करके रखा था, यह हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसकी इसको जो है पतला ही पीसा था, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, क्योंकि इसमें ग्रेवी भी मुझे चाहिए और थोड़ी ग्रेवी भी चाहिए मुझे। और इसमें क्या होता है कि अगर मैं ज़्यादा गाढ़ा पीसूंगी तो ये थोड़ा सा नीचे लग जाएगा, तो आप कभी भी इसको पतला पीसिए, गाढ़ा नहीं पीसिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जार को भी मैं धो करके, मैं चीज़ों को वेस्ट थोड़ा नहीं करने देती हूँ, तो इसलिए ये जो जार है इसको भी मैं, और ख़ासकर ड्राई फ्रूट्स को, तो यहाँ पर मैं इसको जार को धो करके इसमें ऐड कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे, यहाँ पर देखिए इसको चला लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। मिक्स करने के बाद हम इसको 2-3 मिनट के रख लेंगे, ठीक है। तब तक हम क्या करेंगे, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो दही है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो मैं दही को थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। वैसे दही ये एकदम बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, दही आपने याद रखना है, बिल्कुल भी आपने दही खट्टा नहीं लेना है। दही आपका जो है एकदम मीडियम फ्लेवर में होना चाहिए, ना ज़्यादा खट्टा ना ज़्यादा फीका, एकदम फीका फीका रहेगा चलेगा, लेकिन खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि पहले जब मेरे पास क्रीम नहीं थी तो मैंने सोचा कि मैं दही के साथ काजू बादाम के पेस्ट के साथ इसको एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन अभी ये गए हैं क्रीम लाने के लिए, तो मैं अब इसको कम कर देती हूँ। तो देखिए गैस का फ्लेम अब कम कर दिया मैंने, 2 मिनट हो रहे हैं। तो चलिए मैं कुछ मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं उनका नाम लेकर के आप लोगों को बताती हूँ। बहुत ही अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते हैं मेरे लिए, बहुत प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करते हैं। अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाती हूँ तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा कुकिंग कर रही हूँ, और कुकिंग करते समय मतलब अगर मैं किसी का नाम लेना भूल जाती हूँ तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। तो सबसे पहले तो मैं नाम लेना चाहूँगी कुकिंग इनसाइड द किचन, ये मेरे लिए हमेशा से बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स करती है, थैंक यू सो मच सीस। कुकिंग विद फरहा, थैंक यू सो मच। मीरा लाइफस्टाइल ब्लॉग, बहुत अच्छा वीडियो है डियर, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोग हैं, लविंग फैमिली चैनल, ये बाहर की कंट्री से है, अमेरिकन है, तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं मेरे चैनल पर, बहुत ही बहुत शुक्रिया आपका इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए। और भी ठीक है, थोड़ा कोशिश करूँगी कि और भी थोड़ा सा नाम ले पाऊँ, आप लोगों का दिल से शुक्रिया था। तो देखिए अभी नाम लेने वाली हूँ, शेख अर्शी, थैंक यू सो मच शेख अर्शी। एंड अफसाना खान, इंडियन ब्लॉगर, माशाल्लाह नाइस रेसिपी, बहुत बहुत शुक्रिया डियर आपका। नसीम फूड एंड इंडियन ब्लॉगर, बहुत बहुत शुक्रिया डियर। कादर खान, ये सऊदी से है, बहुत बहुत शुक्रिया कादर खान भाई। इमरान खान, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच इमरान खान। मंदिता गोस्वामी, थैंक यू सो मच मंदिता गोस्वामी, थैंक यू सो मच। और जीन खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका नाम थोड़ा सा मैं सही से नहीं ले पा रही होंगी तो ना, लेकिन नाम तो वही आपका। बेगम यास्मीन, थैंक यू सो मच। आपको बिरयानी की रेसिपी चाहिए, इंशाल्लाह ताला ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं बिरयानी की रेसिपी लेकर आऊँ। एस के जमील, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखते हैं अनम पठान, अनम पठान, इन्होंने मुझसे कहा था बैंगल्स पहनने के लिए, तो इनके सासू माँ हैं, उनको आप उनको सलाम बोलिए मेरा। और आप बहुत ही प्यारे कमेंट्स करती है मेरे लिए, थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़ुबैर अब्बास खान, थैंक यू सो मच। बिनते हवा, ये तो बहुत ही प्यारी लेडी है, मतलब सब भी प्यारे हैं, ये बताए मेरे चैनल पर 100 कमेंट्स करते हैं, ये 100 कमेंट्स पूरे बोलते हैं कि जब तक 100 कमेंट्स नहीं होंगे तब तक मैं कमेंट्स करना बंद नहीं करूँगी। तो थैंक यू सो मच डियर, आप इतना अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रही होंगी तो सॉरी, लेकिन कुकिंग भी कर रही हूँ और जब तक ये हो रहा है तो सोच रही हूँ कि जिसका हो सकता है नाम ले लूँ। सादिका शेख, बहुत बहुत शुक्रिया सादिका शेख। और नशरा सैफ, ठीक है आपका नाम, मैं नशरा सैफ, ठीक है, थैंक यू सो मच नशरा सैफ, बहुत बहुत शुक्रिया। इशरत का जहां, बहुत बहुत शुक्रिया इशरत का जहां, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनमाले मुस्कान, बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर मैं जो अलग अलग जो मैं यहां पर बनाई हूं ब्लॉग्स उसके मैं कमेंट्स कर रही हूं, जिन जो कमेंट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, एक्चुअली सभी के कमेंट्स अच्छे हैं, बट जिसके दिख रहे हैं जो हाईलाइट हो रहे हैं जिसके मैं देख पा रही हूँ उन्हीं के कमेंट्स। जावेद अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद अली जी। आप ओडिशा से हैं,
बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पीके परजपति ब्लॉग्स, ये हमेशा से मेरे चैनल पर कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। साइमा शेख, लव योर ब्लॉग, अल्लाह आप दोनों को ऐसे ही कामयाबी दे। बहुत बहुत शुक्रिया साइमा शेख, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इतने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं मेरे मुझे। सोनू वर्मा माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे है, थैंक यू सो मच सोनू वर्मा। मोहम्मद आसिफ इकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आसमा खान, बहुत बहुत शुक्रिया। आफिया खान, बहुत बहुत शुक्रिया डियर। हैदर फूड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और शेख नाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं कोशिश करते रहूँगी इसी तरह आप लोगों के कमेंट्स के मैं नाम लेती रहूँ। तो चलिए अभी इसको मैं 2 मिनट रखने वाली थी, 2 मिनट से ज़्यादा हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको मुझे चिकन को भी मुझे गलाना है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा देर कमेंट्स भी पढ़ लेती हूँ। तो क्योंकि अभी ये क्रीम लाने के लिए गए हैं ना, तो अभी जो है इसके अंदर दही भी जाएगा, क्रीम भी जाएगी, तो मैं सोचा कि चिकन को थोड़ा देर गला लेती हूँ, उसके बाद तब तक मैं कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए मैंने कहा था ना ग्रेवी बहुत है इसमें, तो यहाँ पर देखिए ये पक रहा था अभी, बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा है, ये देखिए बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा है, तो बिल्कुल इसी तरह हमें इसे पकाना था। तो ये आ गए क्रीम लेकर के, देखिए आ नहीं रहे ब्लॉग में, आ नहीं रहे, मैं बोल रही हूँ आने के लिए नहीं आ रहे। तो ये देखिए अमूल फ्रेश क्रीम, दिख रहा है कि उल्टा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है कि उल्टा दिख रहा है, दिख रहा है उल्टा दिख रहा है ना, नहीं सीधा दिखेगा, बैक कैमरा है ना, सीधा दिख रहा है ना, सीधा इनको दिख नहीं रहा था, देखिए बोलो ये अमूल फ्रेश क्रीम है लेकर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हस्बैंड जी। और यहाँ पर अलीना पापा आ गए हैं, आ जाओ अलीना बेटा, तुमको पानी चाहिए, सलाम करो बेटा, सलाम करो, आई लव यू मेरे बच्चा, आई लव यू सो मच। चलो मैं पानी देती हूँ तुमको। तो अलीना पापा को चाहिए पानी, तो मैं उनको दे रही हूँ पानी। एक्चुअली उनके पापा भी आए, तो उनके लिए थोड़ा सा चीज़ वगैरह लेकर आए, तो वो लोग खा रहे हैं उधर बैठ के बच्चे लोग। तो अभी इसमें हम डाल देते हैं यहाँ पर जो हमारे पास कसूरी मेथी है। मेरा थोड़ा बनाने का स्टाइल अलग है, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को, बहुत अच्छी बनती है। जिनके पास अगर कसूरी मेथी नहीं है तो आप घर में भी कसूरी मेथी बना सकते हो, जो जहाँ पर नहीं मिलती है, मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है, कभी नहीं होता है, तो जो मेथी होती है उसको सुखा करके आप कसूरी मेथी घर में बना सकते हो। चलिए बहुत हो गई बातें, आप करते हैं दही इसमें डाल देते हैं। तो दही डाल दिया मैंने इसमें, अब इसको अच्छी तरह से इसको चला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अभी जो क्रीम है इसको, ये जो क्रीम है इसको मैं इसी बॉल में डाल देती हूँ, तो यहाँ पर देखिए मुझे लग रहा था ये एक्सपायरी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेट बता रहा है 25 जून 2021, तो अभी क्या चल रहा है, 25 जून ना, जुलाई अगस्त, अभी अगस्त चल रहा है ना, तो अभी इसको 1 महीना और बाकी है, ये बोल रहे हैं कि 1 महीना और बाकी है, बाकी सब जगह इनको अवेलेबल नहीं मिला, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्या करेंगे, नहीं है तो काम चलाना पड़ेगा इससे। तो थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से सेक लेती हूँ, उसके बाद ये क्रीम जो है ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे, बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा भी पूरा डालेंगे इसको अच्छे से सफाई करके। मैं इस तरह से कर रही हूँ, हाथ से आप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी आदत है, अगर आप बिगनर्स हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे हम लोग, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और ये जो है साथ ही साथ मैं थोड़ा सा ये जो रायता मैंने फैलाया है इसको भी मैं साफ कर लूंगी। तो ये देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा गिर रहा था, मैं इसको साफ कर लेती हूँ। और ये वाला जो बाउल है हमारा, इसको मैं धो करके रख लेती हूँ, ताकि जब मैं इसको इसके अंदर ऐड करूँ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगे दिखने में। हाय हाय अलीना पापा, हाय कर रहे हैं आप सब लोगों को। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सबसे पहले, तो मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा इसकी मदद ले लेती हूँ, इसकी मदद से इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देती हूँ, तो क्या होगा जो क्रीम इसमें नहीं मिली है वो भी इसमें अच्छी तरह से मिल जाएगी इसके अंदर। इनको थोड़ा सा हड्डी वाला गोश्त पसंद है, बोनलेस इनको नहीं पसंद है ज़्यादा, तो इसके लिए मैं ज़्यादा हड्डी वाला ही गोश्त लेकर आना पसंद करती हूँ, क्योंकि बोनलेस गोश्त इनको अच्छा नहीं लगता। ये बोलते कि मुझे हड्डी वाला गोश्त जो है उसमें थोड़ा सा विटामिन भी होता है, ज़्यादा अच्छा लगता है और सॉफ्ट भी बनता है थोड़ा सा, जो बोनलेस जो होता है चिकन वो उसकी ना थोड़ी सी धस्सी वगैरह निकल जाती है, इसकी वजह से तो मैं ज़्यादातर बोनलेस नहीं लेकर आती हूँ, कम लेकर आती हूँ, ऐसा है।
तो अभी इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अभी इसमें नमक चेक कर लेंगे हम लोग, नमक सही है कि नहीं इसमें। एक्चुअली मैं बोलती बहुत हूँ तो आप लोग प्लीज बोर मत होइएगा। मुझे तो ठीक लग रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझसे सब सही हो गया। तो इसको थोड़ा देर पका लेंगे हम लोग। मुझे ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए, मीडियम चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि उस हिसाब से इसकी जो थिकनेस है ये बराबर है। अगर आप लोगों को मतलब थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें गर्म पानी ऐड कीजिएगा। कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसमें ग्रेवी चाहिए तो आप अलग से गर्म पानी करके इसमें ऐड कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ठंडा पानी इसमें ऐड कर देंगे तो क्या होगा कि पानी आपका अलग हो जाएगा और जो आपका जो ये सब मसाला ये सब जो आपने डाला ये अलग हो जाएगा। थोड़ा सा गर्म, एकदम गर्म भी नहीं, थोड़ा सा घुमघुमा करके इसमें ऐड कीजिएगा। नहीं लगी, ठीक है। इस चीज़ को मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये हम बनाते हैं, क्योंकि हमें खाना होता है बहुत ही शौक से। उसके बाद अगर हम इतनी मेहनत से बनाते हैं, अगर ये नीचे से थोड़ा भी लग जाएगा ना तो इसका टेस्ट जो है बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार ये चीज़ को आप लोगों को बोलती रहती हूँ। तो अभी मुझे बनाना है रोटी भी, अभी मुझे रोटी भी बनानी है। तो इसलिए मैंने गैस पर से तवा हटाया नहीं, क्योंकि मुझे रोटी भी बनानी है। साथ ही साथ मैं रोटी भी बना लेती हूँ एक साइड में, जब तक ये मेरा पक रहा है ना तब तक मैं रोटी भी बना लेती हूँ। सॉरी, देखिए ये वाली आदत छूट नहीं रही है। अब मैं क्या करूँ बताइए, क्या करूँ मैं, छूट ही नहीं रही है, क्या करें। अब कोशिश तो कर रही हूँ भाई, धीरे धीरे छूटेगी, इतना जल्दी नहीं छूटेगी, थोड़ा टाइम लगेगा छूटने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो कढ़ाई है इसको इस वाले गैस पर शिफ्ट कर देती हूँ और यहाँ पर मैं रोटी बनाती हूँ। चेक कर रही थी तवा गर्म है या नहीं, अगर तवा गर्म होता तो मेरे मैंने सब सामान तैयार कर लिया है। यहाँ पर आटा है, यहाँ पर सूखा आटा है। तो एक्चुअली में होता क्या है पता है, ये जो कोरमा होता है ना ये तंदूरी रोटी के साथ ही बेस्ट लगता है, मज़ा आती है। तो अब इतना टाइम नहीं था मेरे पास तंदूरी रोटी बनाने का, तो मैंने अभी जो आटे की ही मैं रोटी बना रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आज बनाऊँगी सूखी रोटी, क्योंकि जब हम इसके साथ गरम गरम सूखी रोटी भी खाएंगे तो बिल्कुल इसके साथ मज़ा आएगी। तो मैं एक बार इनसे पूछ लेती हूँ कि मैं सूखी रोटी बनाऊँ या नहीं। पूछ कर आई, ये मुझे बोले कि इनको तेल वाली रोटी खाना है, सूखी रोटी नहीं खाना है। तो क्या करेंगे, अभी बना देती हूँ फिर तेल वाली, एक बार और पूछ ही लेती हूँ, ठीक है। बन चुकी है, ये देखिए तीन रोटी जो है मैंने इनके लिए ऑयल वाली बनाई है, बाकी सब जो है सूखी रोटी बना दी मैंने। आज इतनी नहीं फूली, पता नहीं क्यों नहीं फूली, शायद आटा बराबर नहीं पिसाया था। तो यहाँ पर जो है इस वाले गैस पर पहले ले लेती हूँ मैं इसको, वो क्या है ना फिर आप लोगों को सही से दिखेगा नहीं। सबसे पहले इस वाले गैस पर ले लेती हूँ। ओह नो, हाथ जल गया मेरा। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं ढक्कन खोलती हूँ तो आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ज़ोर से जला है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है और अब हम इसमें डालेंगे धनिया, हरा धनिया अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए डाल देंगे। इसके बाद हम इसको नीचे उतार लेंगे और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे अमूल बटर। बटर अभी नहीं डालेंगे, जब हम इसको सर्व करेंगे तब हम इसमें बटर डालेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा जो चिकन का कोरमा है वाइट, ये बन करके रेडी हो चुका है। ला।
नहीं कर देती हूँ, थोड़ा सा हाथ जल गए तो। यहाँ पर मैंने डाल दिया इसमें अमूल बटर। अब ये चम्मच इसमें से हटा लेंगे और ये देखिए जो हमारा वाइट चिकन कोरमा है ये बन करके रेडी है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। थोड़ा सा गर्म है, मैं उठा के नहीं बता पाऊँगी, कैमरा यहीं पर लाकर दिखाती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप लोगों को मिल जाए। और जैसे मैंने कहा, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग चाहते हैं मैं लाइव आऊँ, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर लाइव आऊँगी। उसके बाद जब ये वाला वीडियो जब अपलोड हो जाएगा उसके बाद अगर मुझे कमेंट्स आएंगे तो मैं आप लोगों को एक पोस्ट के ज़रिए बता दूँगी कि मैं कितने बजे लाइव आने वाली हूँ, अगर आप लोग चाहते तो प्लीज़। तो चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए गरम गरम चपाती के साथ ये सर्व करने के लिए रेडी है, माशाल्लाह।